ये हम आ गए हैं कहाँ इन बर्फीली वादियों में। ब्लॉगर स्मिता स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत करते नहीं है। तो जर्मनी के इस बर्फीले गांव में हम लोग अपने चैनल के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं इस गांव में। देख रहे होंगे हमारे पीछे इन सुंदर वादियों नजारों को। हम एक बार जो है ना पीछे से बैठ दिखा तो लग रहा है जन्नत, मतलब ये धूप जो है ना उसके बाद बर्फ, जन्नत, ऑसम। दिखाते हैं पीछे से, आना चाहिए इतना सुंदर। आप सोच रहे होंगे स्विट्जरलैंड में, नहीं हम जर्मनी में। जर्मनी का स्विट्जरलैंड। जर्मनी में भी इतने अच्छे जगह होते हैं सुंदर। बहुत ठंडा है। ठंडा? हाँ, अभी दोनों को टकराएंगे। उधर उधर जाके वापस। पत्थर है? टूटा भी नहीं, पत्थर है। चलो रखो, साइड रखो। ए, तो उधर उधर पे को सब उधर। जोर से पत्थर है, चोट लगेगा। बाप रे बाप, किसी को मारेगा ना तो माथा फूट जाएगा। मारेंगे आपको? नहीं। और यहाँ पे जो ये हम लोग ऊपर से आए ना केबल कार, इसका प्राइस बाबा बहुत कॉस्टली है। ये एक इनका 44 यूरो, मेरा 44 यूरो, ऋषि का 21 यूरो लगा। मतलब अच्छा है, एक बार आओ तो टाइम स्पेंड करो, पूरा दिन जो है ना गुजारो अपना। एक और केवल कार है यहाँ से ऊपर की तरफ, वो देख रहे हैं वो जाते ही बोलते आप नहीं जाएंगे, दो लेवल हो गया, वो तीसरा लेवल है। हम लोग देख रहे हैं वहां तक गए हैं और लौट रहे हैं वापस। अब नीचे वाला सेकंड वाला में जा रहे हैं और वहां पे ऋषित को ना वो करना है, स्लाइड करना है, तो वहां पे चलेंगे क्या जी? थक गए और जाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी बोले नहीं अब नीचे चलते हैं, नीचे ऋषित को फोन करना, वहां भी एक दो घंटा लग जाएगा। तो चलिए नीचे चल रहे हैं और बिल्कुल ठंड नहीं है, देख रहे हैं जैकेट हाथ में, एक स्वेटर काफी है, बिल्कुल ही ठंड नहीं है। मतलब अभी का वेदर जो कहे ना मार्च में, मतलब फॉलिंग में ठंडा खत्म है, लेकिन बर्फ भी है और ज्यादा ठंड नहीं है, तो बेस्ट मौसम का है तो आने का। क्या क्या झाजी? धूप आ गया इसलिए अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एनिवर्सरी में कैसा लग रहा है आपको घुमाने में? हम घुमा रहे हैं आपको इतना अच्छा बेटा, ये हमको घुमा रही है, सुनिए ना। धूप के प्रदेश में हम लोग को मजा आ रहा है, लेकिन उसको देख रहे, वो देख रहे लहरा लहरा के चल रहा है, उसको इतना मजा आ रहा है ना बर्फ में कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। ये देखिए, ये हम लोग तीनों ली हैं। वो पैसा देने के लिए गया, एक घंटे का 9 कितना है? 9 यूरो है एक घंटे का। वो देखिए वहाँ पे बैठ रहे हैं वो लोग आने के लिए। अभी बहुत दूर है, हम जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं। वो देखिए निकल चुके हैं, ये आए, ऋषित कुमार भी आ रहे हैं। ये तो आ गए हैं, ऋषित हुआ है। आ जा आ जा आ जा आ जा, बेचारा थक गया, आप नहीं करेगा, आप थक गया है, हो गया चलते हैं।
गया। उसको देखिए वहाँ पे है, ये यहाँ पे अभी मजा आ रहा है, चालू है मजा। अरे बाबा वो अब हम नहीं करेंगे। ये देखिए ये खुद पे खुद जाया जा रहा है। अरे ये लग रहा है बीच बीच गिरने। झुको, ये भागेगा, झुकूंगा नहीं। मजा बहुत आया इस ऋषित कुमार के। देख रहे हैं बच्चा लोग को, बाप रे बाप, ये देखो ये मस्त। हाँ देख रहे हैं, वाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। चलिए आ गया, अब ये भी हो गया, अब हम लोग को नीचे जाना होगा ना जी। अगला चल वहाँ देख रहे हैं पूरा बर्फ जमा हुआ है। वीर तुम बैठे चलो, देख रहे हैं वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा बर्फ जमा हुआ है, वाह वाह। आगे और खतरनाक हो रहा है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कोई हमको हिलाएगा नहीं, हमको डर लग रहा है। वाओ देख रहे हैं, बाप रे सब जगह पूरा बर्फ बर्फ जमा हुआ है ना जी। कैसा लग रहा है, सुंदर अद्भुत नजारा है ये भी। और नीचे इतना खाई है ना कि हम देख नहीं सकते हैं, और रास्ता देख रहे हैं इतना छोटा छोटा। वाओ हुआ है, देख रहे हैं बना हुआ है। ये लुक देखना था हमको, क्योंकि ये लुक ना बहुत जाने में, ये देख लग रहा है कि बर्फ के नगरी में जा रहे हैं, मोमबत्ती जैसा लग रहा है। ये तो और है, देखिए इस बर्फ की नगरी में ये दो जादूगर को बर्फ जमाते हुए। दांत निकला, दांत दांत तो देखो खा रहा है। फेंको फेंको फेंक दो फेंक दो, चलो हाँ। ये खूबसूरती का नजारा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पानी गिरता हुआ, पानी गिर गिर के तो आएगा पूरा बर्फ हो गया, ऐसा फिरता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बीच में पूल है, ओह माय गॉड, ओह
नीचे इतना खाई है। तो अब हम लोग अपने इस धमाकेदार ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया होगा। वहाँ देख रहे होंगे आप, वहाँ पर धूप खिला है और यहाँ ना अब 4 बज गया तो ठंडा चालू हो गया है। आज का ब्लॉग यहीं बैंड करते हैं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा ये एरिया जरूर बताइएगा।